हार्ट कितना जबरदस्त है ना। चलो पास से देखें। वाओ, इन सबको तो देखो, मुझे उम्मीद नहीं थी। चलो आगे चलें। यहाँ पर क्या है? जरा सा बस्ट, पता है इसने मुझे इंस्पायर किया। चलो काम पर लग जाएं। मेरा बॉक मोल्ड तैयार है, इसमें गोप डालो। हे भगवान, ये तो बिल्कुल गीला है। मैं आंखें बंद कर लेती हूँ। रुको रुको, इस वीडियो को पॉज करो। आगे बढ़ने से पहले मुझे स्नैक्स चाहिए। ये चिप्स चलेंगे। हाँ, ओ, हाँ, मैं इस लेवल को पार कर लूंगी। मेरे लिए यहाँ जगह है। यहाँ चेयर है, मैं इसी पर बैठूंगी। फिर आखिरकार यहाँ आने में बहुत समय लग गया, पर अब सब तैयार है और अब हम शुरू करेंगे। स्ट्रेच कर मैं बिल्कुल तैयार हूँ। बेहतर है। रेज, मैं इसे पीछे छोड़ दूंगी और स्पीड रन टाइम मैं ही सेट करूंगी। क्या तुम मेरे ऊपर ये सब फेंकोगे? नहीं हो सकता। डाई। ओ, ये क्या है? क्या हो रहा है? अरे यार, ये तो मैंने मिस कर दिया। क्या, मेरा कीबोर्ड, इसे क्या हो गया? मेरे कीज फैल गई है, मैंने खराब कर दिया। इस W लेटर को तो देखो। खैर जो भी है, इसे हटाते हैं। मुझे इसके लिए कुछ अलग करना होगा। चलो इसमें एपॉक्सी डालें। इसे ज्यादा नहीं भरना, उससे खराब हो जाएगा। लो, सारे भर दिए, अब ये सेट होंगे। अब हम इसे निकाल सकते हैं। देखो ये कितना प्यारा है। अब इसे कीबोर्ड पर लगा देंगे, जितनी भी कीज मिसिंग है। हाँ, मेरा नया क्यूट कीबोर्ड कितना अच्छा है। अब मैं अपना स्पीड रन सेट करती हूँ। स्ट्रेच कर लूं। रेज, चलो तुम ये कर सकती हो। और तेज, और तेज। रुको, मैंने कर दिया, मैंने रिकॉर्ड। थोड़ी सफाई करते हैं। हे, एक सेकंड। ओह नहीं, यहाँ बहुत गड़बड़ है। मुझे अपने ज्वेलरी बॉक्स भी देख लेना चाहिए था। ओह, यहाँ सब उलझा पड़ा है। तो फिर इसे सुलझाते हैं। हे, कैसी हो? बिल्कुल अच्छी नहीं, मेरी ज्वेलरी उलझ गई है। ओह, बुरा हुआ। खैर, मैं तुम्हें कंपनी तो दे ही सकती हूँ। हे, जरा अपना हाथ ऐसे ही रखना। अब मैं इसे तुम्हारी उंगलियों पर टांग देती हूँ। वाह, तुम्हारे पास तो बहुत सारी ज्वेलरी है। तुम्हें इसे ढंग से रखना चाहिए। अब बारी है 3D पेन की। मैं एक ओवल बनाने से शुरू करूंगी और फिर इस पर लेयर्स लगाएंगे। आगे पीछे, आगे पीछे। हाँ, हो गया। और थोड़े सर्कल्स बिल्कुल ऊपर। ये भी बनाना पड़ेगा, बस घुमाते जाओ। बढ़िया, ये हो गया। अब दूसरा बनाते हैं। हो गया, अब आखिरी फिंगर भी बन गई। वाह, ये हाथ कितना बढ़िया लग रहा है। हे, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया। अब देखो, तुम्हारी ज्वेलरी एकदम संभली रहेगी। वाह, शानदार। अब मैं इस पर अपनी सारी ज्वेलरी रख सकती हूँ। कितना मजेदार है ना? काफी बेहतर। मेकअप पूरा करना है और मैं तैयार हूँ। लो, अच्छा लग रहा है। और मुझे नेक में कुछ पहनना चाहिए, ये स्कार्फ सही रहेगा। अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है जैसे सुपर हीरो का केप हो। कैसा है? ये नहीं चलेगा, मैं नहीं पहन सकती। ओह, एक आइडिया है, मैं निकाल लेती हूँ। ओह, मुझे यही तो चाहिए। एनी, तुम क्या कर रही हो? मुझे चाहिए, प्लीज। ये अच्छा लगेगा। मुझे लगा था कि अच्छा लगेगा। मैं क्या पहन सकती हूँ? ओह, ये इस्तेमाल कर सकती हूँ। कैसा लग रहा है? बकवास है, मैंने क्या सोचकर पहना? अब मैं क्या करूं? कितनी गलत बात है। अरे, मुझे कुछ खाना होगा। ओह, ये अच्छे हैं। क्या हुआ हानी? मुझे एक सुंदर सा नेकलेस चाहिए। जरा रुको, मेरे पास एक आइडिया है। मैंने पहले क्यों नहीं सोचा, ये जरूर काम करेगा। थैंक्स मॉम। प्लास्टिक फूड कंटेनर से नीचे का हिस्सा निकाल दें, एक पेपर पर अपना नाम लिखें और उसे ढक्कन पर लगा दें। अब प्लास्टिक पर अपना नाम ट्रेस करें। हमें अब ये पेपर नहीं चाहिए। कैंची से इसका नाम काट लें। ध्यान रखें, कोई गलती ना करें।
बेकिंग शीट पर रखें और ओवन में रख दें। इस हीट से प्लास्टिक श्रिंक हो जाएगा। अब इसे ठंडा होने दें और ओवन से निकाल लें। चलो क्रिएटिव हो जाए। प्लास्टिक पर पेंट करें, पेंट को सूखने दें। अब इसे चेन से जोड़ दें। मेरा खुद का पर्सनलाइज्ड नेकलेस, वो कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मैं कुछ अच्छा खा लेती हूँ। हाँ, ये कैसे हुआ? मुझे चिड़िया नहीं पसंद। ये क्या है? ओ, अलार्म। अब उठने का समय है। मेरा फोन कहाँ है? हाँ, इस अलार्म को बंद कर देती हूँ। ये क्या? मेरा फोन कहाँ है? ये रहा कवर्स के नीचे। ओह, उठना मुश्किल है। मेरा फोन फिर गायब हो गया। ये क्या? ये मेरे सर पर कैसे आ गया? मैं कभी अपना फोन नहीं ढूंढ पाती। हाँ, अगर इसे यहीं रहना पड़े तो मैं कर सकती हूँ। मुझे अपने 3D पेन की जरूरत होगी। हाँ, लाइंस बनाने से शुरू करेंगे। अब आगे और पीछे। लो, मैंने क्रॉस हैच बना दिया। एकदम वॉफल जैसा है। अब अगला रंग। इसका भी पैटर्न वही है, बस उसे छोटा। जी हाँ, एक और हो गया। अब एक और रंग लेंगे। और ये वैसे ही है और उनसे छोटे। अब सबको साथ में लगाते हैं। ये रहे मेरे सारे पीसेस। जी हाँ, ये टेस्ट करने के लिए तैयार है। ये मेरे बेड पर अच्छे से टंग गया और इसमें आ गया फोन। ओ, एक और नया दिन। और ये रहा मेरा फोन। वो कमर्शियल में होना चाहिए। मजा आ गया। और मुझे ये शेल मिला। मैं जानता हूँ, ये बहुत अच्छा गिफ्ट रहेगा। चलो इस शेल से कुछ खास बनाएं। पहले इस शेल पर ब्लू पेंट करें, कोई स्पॉट ना छोड़े। अब इसे सूखने दें और अब हमें गोल्ड पेंट चाहिए। शेल के बिल्कुल कोनों पर गोल्ड पेंट लगाएं, बिल्कुल इस तरह। एक वायर लें और प्लायर से इसे मोड़ दें। हमें इसमें एक लूप बनाना है। शेल में एक होल करें और इसे वायर निकाल लें। वायर पर एक सुंदर सा बीड लगाएं। अब प्लायर से वायर को बंद कर दें। हम नहीं चाहते ना कि ये गिर जाए। अब एक और वायर लें और इसे शेल पर लगा दें। इसे इसके आसपास घुमाते जाएं ताकि हमें कुछ ऐसा मिले। जब ये हो जाए, अब इसे पीछे की तरफ लगा दें और अब चेन जोड़ें। अब आप हमेशा ओशन का एक हिस्सा अपने साथ रख सकते हैं। Hey, मैं यहाँ बैठ जाऊँ? तुम कैसे हो? ओह, हाय। मैंने तुम्हें बीच पर देखा और फिर मैं तुम्हें ये देना चाहता था। सच में? मेरे लिए? ये तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। उम्मीद है तुम्हें पसंद आया हो। ये तो बहुत खूबसूरत है। तो हम कभी बाहर मिल सकते हैं, कुछ खाने चलेंगे? हाँ, बहुत अच्छा रहेगा। मैं भी आना चाहूंगी। हाँ? क्या ये मेरा नेकलेस है? तुम्हें ये कहाँ से मिला? चलो होगा। ये लड़के भी ना? ओप्स, मैं इस तरफ जा रही हूँ। ये क्या है? ये सारे कप्स कहाँ से आए हैं? ठीक है, लेगिंग्स अच्छी लग रही है। मेरी मॉमेड लुक पता चल रही है। ओह, इसके साथ ऐसे बाल नहीं चलेंगे। मुझे ठीक करना होगा। रुको, ये क्या है? मेरे कंघे को क्या हो गया? अरे हाँ, मैं मॉमेड स्टैंड से घर आई थी। मैंने अपनी टेल को हटाया, उससे शांति मिली। मेरे पैर तो फ्री हो गए पर टेल से बदबू आ रही थी, तो मैंने उसे धोने का सोचा। मॉमेड टेल्स को भी साफ करना जरूरी है। मैं वहीं पर थी तो मैंने और भी कपड़े डाल दिए, जैसे कि मेरी पिंक जीन्स, और जीन्स की पॉकेट में मेरी कंघी थी, और फिर मैंने उसको वॉश कर दिया। फिर मैं चली गई जैसे कि सब कुछ ठीक था। ओह नहीं, मैं इसका कुछ कर सकती हूँ, है ना?
लगता तो है। मैं ट्राई करके देखती हूँ। होल्डर की शेप अभी भी कंघी जैसी है, तो इसके ऊपर मैं गोल्ड लीफ डाल देती हूँ। अब इसके ऊपर एपॉक्सी डालेंगे। ये मोल्ड की तरह काम कर रहा है। इसे पूरा क्लियर एपॉक्सी से नहीं भरना, इतना काफी है। अब इसमें ग्रीनिश कलर डालेंगे। लो, इतना काफी है। अब इसे सेट होने दें। हाँ, अब ये तैयार है। उम्मीद है काम करे। वाह, ये तो काम किया। और देखो ये कितनी प्यारी बन गई। हाँ चलो इसे ट्राई करें और देखते हैं बाल सीधे होते हैं या नहीं। ओह, ये तो मेरी पुरानी कंघी की तरह काम कर रहा है। हाँ, अब से मेरी सबसे फेवरेट कंघी है। ओह देखो, तुम मुझसे अच्छी मर्मेट बनने की कोशिश कर रही हो। मैं तुमसे अच्छी ही हूँ। जरा मेरी नई मर्मेट कोम तो देखो, तुम्हारे पास ये फोक। ये क्यूट है। ये सब मत करो। हे, मेरी एक फोटो लो। हाँ ठीक है। हाँ, मैं एक पोज मारू। हाँ बिल्कुल, अच्छा लग रहे हो। मैं कैमरा के सामने बिल्कुल नेचुरल हूँ। ओप्स, नहीं। बाल बाल बचे। जरा रुको, मेरे नेकलेस से मुझे एक आइडिया आया। इस हैक से अपना फोन सेफ रखें। पहले एक लंबा सा थ्रेड लें। अब हमें एक डेकोरेटिव बीट चाहिए। थ्रेड पर बीट लगाएं और अलग अलग कलर्स के बीट्स लगाएं। कलर्स को इस तरह बदलें। जब ये हो जाए तो इस थ्रेड को बांध लें और ये बन गया आपका नया ब्रेसलेट। फालतू का थ्रेड काटी नहीं, हमें ऊपर की तरफ एक छोटा सा नॉट और बांधना है ताकि इसमें एक लूप बन जाए। एक तरफ इस ब्रेसलेट को रखें। अब हमें चाहिए फोन केस। केस की साइड से इस तरह निकाल लें और अब लूप से ब्रेसलेट निकाल लें। ध्यान रहे कि ये टिक जाए। अब केस में अपना फोन डालें। एकदम क्यूट, फैशनेबल और प्रैक्टिकल। मैं स्मार्ट हूँ ना, बस मुझे इसे अपने हाथ में पहनना है और मेरा फोन गिरेगा नहीं। अब तुम मेरी फोटो ले सकती हो। ओह हाँ, आ गई। बहुत अच्छी फोटो है। मैं इस ग्रीक पार्टी के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मुझे थोड़ी और ज्वेलरी पहन लेनी चाहिए। नहीं, ये काम नहीं करेगा। और स्टार्स, नहीं ये फिट नहीं आ रहे। खैर, इस नेकलेस के बारे में क्या ख्याल है? ओह, ये भी नहीं। हे, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मेरी ज्वेलरी देखो। वाह, कितनी बढ़िया लग रही है। और मेरे पास सिर्फ यही है। और ये मेरे आउटफिट से भी मैच नहीं होता। ओह, खैर हम इसका कुछ कर सकते हैं। 3D पेन आ चुका है। जी हाँ, मैं नेफर्टिटीज बस्ट को मॉडल की तरह इस्तेमाल करूंगी। हाँ, अब इस तरफ चलते हैं। देखो ये एक लीफ है। अब हम एक और लीफ बनाएंगे। ये कितनी अच्छी बन रही है। लो, आखिरी भी बन चुकी है। मैंने कहा, मुझे पता था हम कुछ जबरदस्त बनाएंगे। शुक्रिया, मुझे ऐसा ही कुछ चाहिए था। कितना धीरे बीत रहा है। उनके पास यहाँ आइसक्रीम है। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। काश मेरे पास कैश हो। मैंने कैश कहा, ट्रैश नहीं। ये कैसा रहेगा? मुझे लगता है काम आएगा। ओह, कस्टमर। हाय। हेलो, तो तुम्हें कैसा लगा? हाँ, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो? कुछ भी नहीं है। नहीं, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, मैं अपनी खुद की करेंसी बना सकती हूँ जब तक मेरे पास मेरा 3D पेन है। परफेक्ट। अब कुछ और स्टेप्स बाकी है। ये आइसक्रीम कोन जैसा लग रहा है ना? और उसके साथ क्या जाएगा? आइसक्रीम ही। स्ट्रॉबेरी सॉस मत भूलना। इसे देखकर मुझे भूख लग रही है। कितना अच्छा लग रहा है ना? और इस जगह पर चेन लगेगी। कितना प्यारा है। शुक्र है मैंने मैचिंग इयररिंग्स भी बना ली। अब मैं कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ। चलो लुक को और अच्छा कर ली। लगभग। ओह, तुम वापस आ गई। हाँ, मैं वापस आ गई। कितना कमाल का नेकलेस है। इसके बदले मुझे आइसक्रीम मिलेगी, है ना? हाँ। बस एक छोटी वाली दे दो प्लीज।
मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा था। हर बार यही होता है। आ गया। हे गर्ल, तुम बहुत अच्छे लग रही हो, तुम भी। हैप्पी बर्थडे। ओह, एक फोन केस। शुक्रिया, पर मेरे पास ये वाला पहले से है, माफ करना, पर मेरे पास कुछ और भी है। ये देखो, मेरे पास दांत है। हाँ बिल्कुल, कुछ और भी होगा। ओह, मैं तो भूल ही गई थी, मुझे माफ कर दो। रुको, क्या ये 3D पेन है? तो मेरे पास एक आइडिया है। एक फ्लैट सरफेस पर फोन रखें और 3D पेन से इस पर ड्रॉ करना शुरू करें। पहले नीचे से शुरुआत करते हैं, जैसा चाहे वैसा बनाएं, बस पूरा फोन कवर होना चाहिए, कोई जगह मत छोड़ना। कैमरा लेंस को छोड़कर इस जगह पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। अब फोन की साइड्स पर भी ड्रॉ करें। हमारा मतलब एक सेफ और पर्सनलाइज्ड फोन केस बनाने से है, बिल्कुल इसकी तरह। ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ और लाई हूँ। वाह, मुझे पसंद आया। बढ़िया, क्या मैं जा सकती हूँ? ओह, एक और गेस्ट। हे, हैप्पी बर्थडे, मैं तुम्हारे लिए प्रेजेंट लाया हूँ। लगता है मेरा दांत निकल आया। चलो इसे ले जाओ टूथ फेरी, मैं सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकती। मुझे इन सब चीजों की आदत नहीं। बकवास, हटो यहाँ से। हाँ, हे भगवान। ओ नहीं, मुझे इसे बचाना होगा। शायद ये छड़ी खराब हो गई है। बिल्कुल, बोट रही है। आपने अपनी फेवरेट डिश तोड़ ली है। तो कोई बात नहीं, 3D पेन से ठीक कर देगा। इसमें थोड़ा समय लगेगा, पर काम बन जाएगा। बॉर्डर बन गए हैं। अब इसमें लाइंस बनाएंगे, बिल्कुल इस तरह। हमने लगभग आधा कर लिया है दोस्तों। अब दूसरी डायरेक्शन में भी यही करें। ये इस तरह का दिखना चाहिए। बढ़िया है ना? उसे पुराने वाली डिश की याद भी नहीं आएगी। तो चलो। ओह, मैं तो भूल ही गई थी, मैं यहाँ इसीलिए तो आई थी। मुझे यहाँ पर दांत की खुशबू आ रही है। बिंगो, इसकी जगह पर एक पेनी रखनी चाहिए। तुम्हारे साथ काम कर अच्छा लगा। ओ, सच में? ध्यान से, ये तो बहुत रूड है। जो भी है, मुझे तैयार होना चाहिए। ये बेल्ट कितनी प्यारी है, बस ये थोड़ी छोटी है। ओ नहीं, मेरे नेल्स नहीं, ये खराब हो गए। बहुत बुरा हुआ। अपने आप को देखो, मेरे बेचारे नेल्स। लूजर, तुम सबसे बुरी हो। कोई बात नहीं, मैं ये ठीक कर सकती हूँ। ये काम आएगा। समझ गए। इमरजेंसी नेल रिपेयर करने के लिए पहले अपनी उंगलियों पर टेप लगाएं। अब एक वुडन स्टिक लें और इस टेप को नेल में प्रेस करें। और अब एक पेन से आउटलाइन बनाएं। अपनी नेल से टेप को निकाल लें। अब उसे फ्लैट सरफेस पर रखें और अब बाकी का नेल बना लें। ओवल शेप बनाएं। 3D पेन लें और नेल टेम्पलेट को फिल कर लें। लाइंस के बीच बीच में रहना चाहिए। अब कुछ पेंसिल या वैसा ही कुछ लेकर इसे थोड़ा मोड़ कर एक कर्व बना दें। अब टेप से फेक नेल निकाल दें। आराम से करें, हमें नेल तोड़ना नहीं है। अब फालतू का प्लास्टिक काटने के लिए नेल सीजर्स इस्तेमाल करें। इंक के साथ साथ काटना है। अब हमें इसे बस लगाना है। अब इसे बाकी उंगलियों पर भी लगा दें और पाएं शानदार नेल्स। अच्छे लग रहे हैं। वाह, अब मैं तैयार हूँ। ये कमाल के लग रहे हैं। हाँ, हे, ध्यान से, हटाओ इसे। हटो। तुम्हें हुआ क्या है? जरा टाइम देखो, सफाई करने का टाइम है। निकलो यहाँ से। बहुत हुआ। ये लो। भागो यहाँ से। मैंने उसे सबक सिखाया। जी वो रात है।
मेरी बगल की बदबू है। इससे थोड़ा सही रहेगा। हो गया, वो भी आने ही वाली है। टाइम हो गया, तुम इधर जाओ दोस्त। वो आ रही है। हे, हाय बेबी, तुम मानोगी नहीं आज क्या हुआ। तुम डिजर्ट क्यों नहीं खाती? ठीक है तो आज काम पर। हाँ, उसने वो निगल तो नहीं लिया ना? क्या, तुमने रिंग नहीं देखी? मैंने वो तुम्हारे डिजर्ट में डाली थी। ये तो सही नहीं हुआ। नहीं, तुम्हारा नेकलेस। क्या, कुछ भी नहीं। रुको, ये छोटा सा स्ट्रेटनर देखे, इस पर वैक्स पेपर लगाए और बीच में बीज रख दे। अब प्रेस करे। वो कितना कूल है। अब इसे सीधा निकाल ले और मार्कर के ऊपर लपेटे और इसे सख्त होने दे। देखा बेटी। क्या, ओह, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे बहुत खुशी होगी। ओह, क्या? नाइटी नाइट। इसे जला कर नहीं सो सकती। वुप्स, मैं कितनी बुद्धू हूँ। लगता है नीचे भी कोई है। ओह, जरा ये तो देखो। मैं इस सामान के बारे में तो भूल ही गई थी। ये क्या है? बार्बी, मैंने तुम्हें कितने सालों से नहीं देखा। कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें प्यार करूंगी। बार्बी, मैं कितनी बदसूरत लग रही हूँ। शायद ये सपना है। उम्मीद तो है। हाँ, बहुत असली लग रही थी। पर ये डरावनी बार्बी ठीक कह रही थी। मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी, घबराओ मत। मेक ओवर टाइम। तुम पर थोड़ा काम करना बनता है। तुम्हारी आउटफिट से शुरू करते हैं। तुम्हें रेड पसंद है ना? बस पेन को इस तरह आगे पीछे करना है। इतनी लेंथ काफी है। कितना प्यारा लग रहा है। तुम्हें बेहतर महसूस हो रहा है? और तुम्हें तो शॉपिंग भी नहीं करनी पड़ी। अब प्यारे प्यारे सभी आएंगे। ये अच्छा है। अच्छे से सुना दोस्त। एक नई ड्रेस। थैंक यू। मैं मॉम का बर्थडे तो भूल ही गई। यहाँ पर कुछ होगा? कुछ भी नहीं है। यहाँ थोड़े पैसे पड़े होंगे। बिंगो, चलो शॉपिंग करें। क्या मैं एक फोन ले सकती हूँ? एक नई गाड़ी। एक रोज कैसा रहेगा? शुक्रिया, दोबारा आना। $2 में कुछ मिलेगा? मैंने अभी अपना आखिरी बुके बेचा है। अरे यार, खैर, तुम्हारे लिए थोड़े पेटल्स पड़े हैं। वैसे मैं जानती हूँ, पेटल्स को ऐसे फेंके नहीं, उनके ऊपर क्लियर पॉलिश पेंट करें और फिर यूवी लाइट के नीचे रख दें। ये अच्छा है। इयररिंग बनाने के लिए ये परफेक्ट है। कूल है ना? कितना प्यारा है। मॉम, ओह हाय बेटी, मेरे पास आपके लिए कुछ है। मॉम, तुम कितनी प्यारी हो। ये बहुत प्यारे हैं और एकदम असली। थैंक यू, आई लव यू हनी। चलो इसे बदल दे। फ्रेश ज्वेलरी, ये आजकल बहुत चल रही है। हे, हाय ब्रायन। मैं मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। अरे वाह, ये मेरे लिए है। इसे खोलते कैसे हैं? रुको। अरे नहीं, मेरा हीरो। बाल बाल बचा। हाँ, ओ, मेरे पास एक आइडिया है। अपना आईफोन बचाने के लिए आपको बस एक ग्लू गन चाहिए। आईफोन के कोनों पर ग्लू लगाना शुरू करें। ध्यान रहे, कैमरा बचा कर फोन के साइड पर ग्लू को गिरने दे।
हम चाहते हैं कि फोन सेफ रहे। अब इसे बाकी जगह पर फिल कर दे, अच्छे से ग्लू लगाए ताकि मोटी लेयर बनी रहे। जब फोन कवर हो जाए तो ग्लू को सेट होने दे। अब फालतू की ग्लू हटा दे और ये बन गया एक अनोखा फोन केस। तुम्हें कैसा लगा? ओह, ये तो कमाल है। शुक्रिया ब्रायन। ओह हाय। ओह, एक लड़का। ये लो, देखते हैं मैं क्या कर सकती हूँ। ठीक है, तुमने क्या देखा? कार्ड्स। ओह कूल। गह, सब ठीक है। ठीक है, घबराओ मत, क्रिस्टल बॉल सब बताती है। मुझे प्यार का मतलब दिखाओ क्रिस्टल बॉल। क्या ये भी होता है? मैंने पता नहीं क्या क्या देखा। मुझे जाना चाहिए। रुको, मैं कुछ बता सकती हूँ। हाँ, यही थोड़ी एपॉक्सी ले और इसके अंदर रेड फूड कलरिंग डाली। अब इसे अच्छे से मिला दे। कितना सुंदर है ना? अब जो चाहे उस मोल्ड में इसे डाल दें और जब ये सख्त हो जाए तो इसे निकाल लें। पर अभी पूरा नहीं हुआ। नेकलेस तैयार है। जरा रुको, मुझे पसंद आया, ये परफेक्ट है। ओ, मुझे पसंद करता है। शुक्रिया, मजे करो। बाय, चलो चले। मेरा तो ये रोज का काम है। गह! लो, ये लो। रुको, मुझे किस करो। तुम ही मेरा प्यार हो। मेरी सबसे अच्छी क्रिएशन। हाय, मुझे ये जगह बहुत पसंद आई। ओह, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खास है। ओह, एक पेन। ये कोई आम पेन नहीं है। मेरे पास पहले से ही लेजर पेन है। अच्छा, ठीक है, तो ये कैसा रहेगा? ये दिखने में लिपस्टिक है पर देखो। हाँ, अच्छा लगा। हाँ डूड, मेरे पास ये पिछले साल से है। ठीक है, इसे बेचना मुश्किल है। जरा सोचने दो। ओ, मैं समझ गया। थोड़ा जल्दी कर दोगे? इससे सब दिखता है। सच में? जरा इन्हें देखो, मैं ये इस्तेमाल नहीं कर सकती। अब मैं क्या करूँ? समझ गया, मेरे पास ये है। टूटे हुए ग्लासेस को एक जगह पर रखें। 3D पेन से अब इसे जोड़ें। ग्लासेस के फ्रेम पर इसे लगाते जाएं। अब फ्रेम के ऊपर भी यही करें। जब ये हो जाए तो इसकी डंडी जोड़ें और इसके ऊपर भी 3D पेन चलाएं। पूरे पर यही करें। पता भी नहीं चलेगा कि ये कभी टूटे भी थे। मैंने जोड़ दिए। ये स्टाइलिश है ना? ओह, मुझे ट्राई करने दो। खैर, तुम्हें कैसा लगा? ये तुम ही रखो। पर ओह, मैं समझ गया। ठीक है, लगता है ये लेवल मैं पार कर ही लूंगा। तो चलो, बस फाइनल ट्रेजर रन है। मैं कर सकता हूँ। ये क्या कर रहा है? काफी एक्साइटेड लगता है। मैं ये डंजन जीतने ही वाला हूँ। क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? हाँ, नहीं, अभी मैं खेल रहा हूँ। प्लीज। मैंने कहा ना, नहीं, मैं खेल रहा हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज, मैंने मना किया ना। हाँ तो ठीक है, इतने मतलब ही भी मत बनो। मेरी ड्रिंक भी खत्म हो गई। बढ़िया, सुनो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मेरी गेम को हाथ मत लगाना। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मेरी गेम को हाथ मत लगाना। बेवकूफ कहीं का, तो वो चला गया है, यही मौका है। उसे ये ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। वो इस गेम में अपने आप को माहिर समझता है। मैं उसे दिखाती हूँ मैं कितना बढ़िया खेल रही हूँ। वो तो इसके आस पास भी नहीं है। ये लो, और ये कैसा लगा? ओ, नहीं, मैंने मग गिरा दिया। वो गिर गया। नहीं, ये तो टूट गया। अब मैं क्या करूँ?
अब उसे पता चल जाएगा कि मैं उसके गेम खेल रही थी। एक सेकंड रुको, मैं समझ गई। जी हाँ, तुम मेरे साथ आ रहे हो। अब मैं अपना 3D पेन इस्तेमाल करूँगी, इससे सारी परेशानी हल हो जाएगी। बस इसके कोने को ट्रेस करना है। हाँ हाँ, अभी तक तो ठीक लग रहा है, ऐसा ही करते रहना होगा। अब इसे ऊपर की तरफ से लगाएंगे और लाइंस बनाते जाएंगे, जैसे इसे स्ट्रिप कर बंद करना हो या एक पैच बनाना ही समझ ले। इसपे बहुत सारी लाइंस चाहिए होंगी और जरूरी नहीं है कि परफेक्ट हो, बस काफी सारी बेस लाइंस होनी चाहिए। हाँ, और ये देखो, लगता है मैंने उसे ठीक कर दिया। मैं इससे अच्छा और कुछ नहीं कर सकती थी। ओ नहीं, वो वापस आ रहा है, मुझे अपनी जगह पर जाना होगा। जल्दी करो, चेक पर वापस चलो। मैंने कर दिखाया। कुछ तो गड़बड़ है, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। लगता है यहाँ कुछ ठीक नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, खैर छोड़ो, जो भी हो। चलो मैं अपना मग वापस फिल कर लेता हूँ। इस लेवल को जीतने के लिए मुझे हाइड्रेटेड रहना जरूरी है। बढ़िया है, उसने देखा तो नहीं ये मेरे मग पर क्या है। खैर ये इसका क्या ही कर लेगी, छोड़ो मैं अपनी गेम खेल। और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ला ला ला। बहुत समय लग रहा है, मुझे बहुत भूख लगी है। ओह, तो हम खाएं? बिल्कुल। ओह फैंसी, ये लो, कितना रोमांटिक है। लगता है तुम कुछ भूल गए। हमें चम्मच क्यों चाहिए? ठीक है, देखो। टेस्टी। बहुत गंदा है, पर ये प्यारा भी है। तुम नहीं खा रही? नहीं, ऐसे ही ठीक हूँ। पर मैं चाहता था तुम्हें पसंद आए। मैं अपने बैग में देखता हूँ। एक अंडा, ये यहाँ कैसे आया? एक 3D पेन। रुको, मेरे पास एक आइडिया है। एक अंडा लें और 3D पेन से इसके ऊपर ड्रॉ करें। अंडे पर एक स्पाइरल बनाएं। बिल्कुल इस तरह। अब स्पाइरल के आसपास भी लाइंस ड्रॉ करें। इसे फिल करना शुरू करें। जब ये हो जाए तो प्लास्टिक को अंडे से निकाल लें और इसके ऊपर हैंडल लगा दें। ये बन गया स्पून। अब 3D पेन से कुछ डिटेल्स बना दें। हम एक पॉ प्रिंट बनाएंगे, थोड़ी सी और डिटेल्स भी। अब चम्मच के अंदर एक चेहरा भी बना दे। Hey, ऐसी, मैंने तुम्हारे लिए ये बनाया। मेरे लिए? मुझे पसंद आया। यम्मी। वाह, अपना खाना चबा कर खाओ। आज का दिन सबसे अच्छा है। हम अब कभी भी रेस्टोरेंट में नहीं जाएंगे। पर तुम कमाल हो। वाह, इन जिंजर कुकीज की खुशबू कमाल की है। वो आ गई। हे भगवान, ये बहुत खूबसूरत है। जब वो ये स्लो मोशन में हेयर शेक करती है तो मुझे और अच्छी लगती है। और उसके ग्लासेस कितने अच्छे हैं। वो पक्का इससे फ्यूचर देख सकती है। हाय, तुम्हें मेरी कुकीज चाहिए? हाँ बिल्कुल, शुक्रिया। ये बहुत अच्छी है। लो, तुम भी एक बाइट लो। हाँ, अगर ऐसा हो तो कितना अच्छा होगा ना। ये रूम कहाँ है? ठीक है, यही मौका है। मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, सब ठीक रहेगा। ओ नहीं, मैं इतनी जोर से गिरा। मैं किस चीज के ऊपर गिरा हूँ? ओह, एक कुकी कटर। अरे वाह, वो कितने खूबसूरत है। वैसे इससे मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया आया। मैं एक हार्ट शेप कुकी कटर से एक हार्ट बनाऊंगा। अब हमें इसके बीच में फिल करना है। इसे साफ रखने के लिए मैं एक सिरिंज इस्तेमाल करूंगा। यूवी लाइट से जल्दी सूख जाएगा। पर हमें इसमें ग्लिटर भी चाहिए। ये छोटे दिल, तारे और फूल बहुत खूबसूरत है। ऐसा ही एक और इस पर लगा देंगे। शानदार। मैंने किचन तुम्हारे लिए बनाई। ओह वाह, तुमने ये मेरे लिए बनाई, मुझे बहुत पसंद आई। सफाई करने के लिए शुक्रिया मिस्टर ब्रोकली। हाँ, क्या? ओह, मैं सपना देख रहा था। पता नहीं क्या टाइम हुआ है, मैं फोन में देख लेता हूँ। मेरा फोन। नहीं, ये तो बहुत जोर से गिरा। नहीं नहीं नहीं, ये तो टूट गया। हे भगवान, बहुत बुरा हुआ। ये एक बुरा सपना है। ये क्या हुआ, मैं कहाँ हूँ? हाँ, मेरा फोन। hey, मैं वही हूँ जहाँ मैं गिरी, याद है? हाय, बड़ा सपना। हे भगवान, एक और बुरा सपना आया। हे भगवान, रुको, मेरा फोन। मेरा फोन जहाँ था वही है, फर्श पर नहीं। पर अब मैं डर गया हूँ और
पर मैं नहीं चाहता कुछ ऐसा हो। मैं जानता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं अपना 3D पेन निकालता हूँ और कुछ करता हूँ। ये पर्पल इंक इस्तेमाल करेंगे क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है। फोन केस पर कलर करते हैं, बस इस तरह ज़िगज़ैग बनाना है और थोड़ा और ज़िगज़ैग और ऊपर नीचे। इसे भरने के लिए बहुत सारी 3D इंक चाहिए होगी। ऊपर का हिस्सा हो गया, अब साइड्स करते हैं। बस ध्यान रहे कि अच्छे से कवर्ड हूँ। लो, मैंने पूरा फोन केस कवर कर दिया। मैंने इसे गिरा दिया। कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं टूटा। हे भगवान, मैं घबरा गया था पर मेरा नया केस काम आया। अब मैं वापस सोने जा रहा हूँ। ये नहीं, ये बिल्कुल काम नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं। ये बकवास है, मेरा पूरा वार्डरोब एकदम बकवास है। ये कैसा तूफान है? ये क्या हो रहा है? ओह, मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम किस बारे में बात कर रही हो? इतने सारे कपड़े तो हैं। पर जेक ने मुझे डेट पर जाने के लिए पूछा। जेक, हे भगवान, तो अब हम क्या करें? खैर, ये शॉर्ट कैसी रहेगी? आपको क्या लगता है? या फिर ये रेड ड्रेस? या ये कुछ ज्यादा है? मुझे नहीं लगता ये अच्छी लगेगी। रुको, मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। मैं भूल गई थी, मेरे पास एक क्यूट सा क्रॉप टॉप है। ओह, पर इसके साथ पहनने के लिए मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है। रुको, मैं जानता हूँ तुम क्या कर सकती हो। हाँ, मैं समझी नहीं। ओह हाँ, डैड, आप बहुत स्मार्ट हैं। पक्का इसमें कुछ होगा? नहीं, ये कुछ भी नहीं है, कुछ काम नहीं आया। आज की डेट सबसे बेकार होगी, मुझे कैंसिल कर देनी चाहिए। तो हम इसका कुछ कर सकते हैं। मैं बिना इयररिंग्स के बाहर नहीं जा सकती। मुझे समझ नहीं आ रहा। रुको, ये नेक पिलो और मेरा 3D पेन। हनी, लगता है यही काम आएगा। हे भगवान, आप ठीक कह रहे हैं। ठीक है, एक वाटरमेलन स्लाइस की ड्राइंग लेंगे और अब उसे ट्रेस करेंगे। पहले ब्लैक इंक से इसे आउटलाइन करते हैं बिल्कुल कोने कोने पर। अब अंदर की तरफ भी कुछ लाइंस ट्रेस करेंगे। ठीक है, काफी अच्छा बन रहा है। हालांकि अभी पूरा नहीं हुआ, करते रहना होगा। अब इसमें रेड वाटरमेलन कलर करेंगे, कोनों को भी रेड कलर ही देंगे। ये देखो, बिल्कुल आखिर तक। अब ग्राइंड की बारी। ये वाला ग्रीन अच्छा लग रहा है, बहुत मजेदार है, मुझे ये अक्सर करना चाहिए। अब मुझे डार्क ग्रीन चाहिए होगा और मेलन की सीड्स के लिए ब्लैक कलर। बस छोटे छोटे बनाने हैं। हाँ, और थोड़े से यहाँ भी। वो हो गया, कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, ऐसा ही एक और बनाना है और चाहिए इयररिंग पीसेस। देखो ये कितने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, मुझे बहुत पसंद आए। चलो मैं इन्हें ट्राई करूँ, ये अच्छे लग रहे हैं ना? प्यारे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डैड, आपका आइडिया सच में काम आया। तो चलो, अब मैं जूट के साथ डेट पर जा रही हूँ। ठीक है, तुम दोनों अच्छा समय बिताना। अब मेरा नेक पिलो कहाँ है? ओह, ये रहा, ये बेहतर है। रुको, ये क्या है? ओह, एक फोटो। ओह, इसे तो देखो, कितनी खुश लग रही है, बहुत प्यारे है। ओह, बहुत ठंड है, मैं दोबारा काउच पर सो गई। वो बाल भी अड़ गए। मेरी कॉम कहाँ है? इसमें तो और बाकी फालतू सामान है। बकवास, इस पर तो मकड़ी के जाले लगे हैं, बिल्कुल ही बेकार है। ये पहले की तरह काम नहीं कर रहा, इसमें बहुत दर्द हो रहा है। आउच, बहुत अड़ गए हैं। ये क्या है? निकल जाओ। चलो भी। वो ये मेरे बालों का हिस्सा था। इसने इतने ज्यादा बाल क्यों निकाल दिए? जो भी है, मैं हाथों से कर लूंगी। नहीं, यहाँ कुछ और पड़ा है। तो स्पैचुला कैसा रहेगा? ब्रिसल्स बनाने के लिए 3D पेन इस्तेमाल करें। इसमें थोड़ा समय लगेगा पर रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे। आप ब्रिसल्स लंबे या छोटे कैसे भी रख सकते हैं। पूरा स्पैचुला कवर करते हुए करते जाएं। अब इसे ट्रिम करते हैं, आधा काफी होगा। हो गया, आपको एक ब्रश मिल गया। अब बाल बिल्कुल भी नहीं अड़ेंगे और मेरे बाल बिल्कुल मुलायम हो जाएंगे और इसमें कुछ ज्यादा लगा भी नहीं। देखो मेरे बाल अब कितने बढ़िया है। क्रिएटिव होना अच्छा है और थका देने वाला भी। ये गमीज अच्छी है। हे, इस ट्रॉफी को देखो, मैंने जीती है। हाँ, तुम मानोगी,
बढ़िया है ना, तुम्हें खुशी नहीं हुई? हाँ बिल्कुल हुई, देखो इसमें गमी बेयर्स फिट आ जाएंगे। क्या नहीं? अच्छे हैं। देखो तो इस तरह मैंने ये ट्रॉफी जीती, ये सबसे अच्छा डाइवर के लिए है। मैं सबसे अच्छा डाइवर हूँ। अरे वाह, तो अब मैं समझी, काफी कूल है। और मैं कब से तुम्हें ये देने का इंतजार कर रही थी। वो कितनी बढ़िया की चेन है, क्या तुमने ये बनाई? इसे बनाना बहुत आसान था, मैंने बस एक प्लास्टिक बैग लिया और फिर उसमें छोटे शेल्स डाल दिए और फिर इसके अंदर लाइट ब्लू रेसिन डाला। मैंने इसे शेल के साथ ही डाल दिया। अब ये समुद्र के पानी जैसा लग रहा है। ठीक है, इतना काफी होगा और अब इसे सेट होने देंगे। ये देखो, और अब बस प्लास्टिक बैग निकाल देंगे और बिल्कुल कीचेन तो लगानी ही है। बिल्कुल ऊपर की तरफ इसे लगाकर ये देखो, ये हो गया। ये ट्रॉफी के इस पार्ट पर फिट आ जाएगा। वाह, अब ट्रॉफी और भी अच्छी लग रही है। हाँ बिल्कुल, आज का दिन बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया हनी, बहुत अच्छी है। सेल्फी टाइम। लाइटिंग भी अच्छी है, कितना प्यारा है, सब प्यारा है, एकदम बढ़िया। देखते हैं ये मेरे चेहरे को क्या हो गया, किसी फिल्टर से ये ठीक नहीं होगा। मैं अपना लेंस साफ कर लेती हूँ। अपने लिप्स ऐसे बनाओ और कितनी प्यारी स्माइल है। अरे चलो भी, मैंने ये कैसे खराब कर दी, मैं ये पोस्ट नहीं कर सकती। मॉर्निंग। हे एवा, मैं तुम्हारे साथ एक सेल्फी ले लूं, मैं अभी ही उठी हूँ। एलर्जीज की वजह से। शुक्रिया। ठीक है, तुम मुझसे भी अच्छी कैसे लग रही हो, तुम तो अभी बेड से उठकर आई हो, ये गलत है। आज इसका दिन ज्यादा ही खराब है। इतनी जबरदस्त कहानी है ना? इससे मुझे कुछ याद आया। हाँ, केविन चाहता है कि हम पार्टी में जाएं। तुम्हें जाना चाहिए। काश केविन मुझे भी पार्टी में इनवाइट करता, मैं भी उसके साथ डांस करना चाहती हूँ। मैं भी आ सकती हूँ? इस तरह नहीं। ओह, मैंने मेकअप नहीं किया हुआ। मैं कुछ करती हूँ एवा, ऐसा कोई मेकअप नहीं जो मेरे पास ना हो। चलो मेकओवर करें। हाँ ठीक है, पर मेरे पास खुद का है, देखो। ये रहा मेरा ब्रश, अच्छा है ना? ये दिलचस्प है। मैं आजकल पेंसिल्स इस्तेमाल करती हूँ, कॉन्टोरिंग से चेहरा बिल्कुल बदल जाता है। शुरुआत में थोड़ा अजीब लगता है, फोरहेड हो गया। अब एक लाइटर शेड लेंगे, ये पार्ट बहुत जरूरी है, थोड़ा फेस पेंट जैसा लग रहा है ना? और अब हम इसे ब्लेंड करेंगे। देखा, ये काम किया। वाह, मैं भी ट्राई करूंगी। चीक बोन्स के नीचे है ना? थोड़ा आराम से करो। हाँ, आईज के नीचे भी। तुम हाथ बहुत तेज चला रही हो, अब ब्लेंड करना है ना? हाँ। वो तुम्हें इस टेक्निक की और प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं तो अच्छी लग रही हूँ, तो चले। हाँ चलते हैं। ओहो, मैं इस टेस्ट के लिए तैयार तो हूँ। ये क्या चल रहा है, इतने बड़े बड़े सर लेकर आ गए। हम आज पार्टी करने वाले हैं। पार्टी? बेस्ट पार्टी? शानदार। बेस्ट पार्टी एवर। मेरे पास कपड़े भी हैं। पार्टी टाइम। पर ये नेल्स, मैं ऐसे नहीं जा सकती, पर मैनीक्योर बहुत महंगे होते हैं। मैं इन्हें कैसे छिपाऊं? मेरा 3D पेन। अच्छे नेल्स चाहिए, पहले कुछ पार्चमेंट पेपर लगाएं। क्यूटिकल्स डिफाइन करके नेल की आउटलाइन ट्रेस कर लें। अब पेपर हटा लें। अब नेल ड्रॉ कर ले और पेंसिल से फिल कर दे। रेड अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा लग रहा है। इसे कर्व करने के लिए इस तरह की बार का इस्तेमाल करें।
अब इसे पेपर से निकाल ले और ये बिल्कुल फिट आ जाएगा। टडा, लाजवाब। और ये आसान भी है। महंगे महंगे मैनिक्योर में पैसे कौन लगाए जब आप ये खुद कर सकते हैं। हे, क्या बढ़िया नेल्स है। शुक्रिया। ये हुई ना बात। ये आनी, तुम्हें ये देखना चाहिए, मजेदार है ना। ओ एनी, जरा ये मीम तो देखो, मैंने अभी अपनी कॉफी भी नहीं पी। आखिरकार अब मैं यहाँ अकेली हूँ, ज्यादा जल्दी सोच लिया। बाइक पर एक कैट, ये बाथरूम है, बाहर निकलो। बाय। हे एनी, जरा ये देखो। ठीक है, अब देख रही हूँ। कितना जबरदस्त है ना, चलो भी मजेदार है। अगर वो प्लेन पर चढ़ जाती। हाँ? अरे यार, बस वो तैयार हो। हमारी डेट आज थी, पर ये कचरा। एडम ये ऐसे नहीं देख सकता, मुझे जल्दी से सफाई करनी होगी। लगभग हो ही गया, धूल हट जाएगी। क्या हो रहा है वो? शुक्र है मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं। आ रही हूँ। हे एडम, चलो आ जाओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तो कुछ पियोगे और बातें करें? सर, अब मुझे चलना होगा, ठीक है? आने के लिए शुक्रिया, फिर मिलते हैं। मजा आया। ओह, बहुत मुश्किल था। चलो काउच पर चले, मैं वापस आ गई और अब खाना शुरू करते हैं। अच्छा लग रहा है। हेलो, अपनी जैकेट वहां रख दें। और ये लीजिए। ये? ओ नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बहुत भयानक है। ओ, मेरे हाथ बहुत ड्राई है और ये बहुत शर्मनाक है। अगर आज उसने मुझे प्रपोज किया। मैं अपने हाथों को ऐसे नहीं लेकर जाऊंगी, मुझे कुछ करना होगा। ग्लव्स, ये आसान तरीका है। ये लीजिए, आपका टेबल वहाँ है। फिर मैं बहुत नर्वस हूँ, मैं आ गई। तुम आ गए, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। ये ड्रिंक तुम्हारे लिए। लाओ, मैं तुम्हारे ग्लव्स उतार देता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, मेरे हाथ बहुत ठंडे हैं। और मुझे तुम्हारे हाथ पर किस करना है? ओ नहीं, उसने ग्लव उतार दिया। ओ, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? तुम अपना हाथ वापस ले लो। कोई बात नहीं, हम सबकी स्किन कभी कभी ड्राई हो जाती है। हे, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वहाँ देखो, वहाँ एलो है। तुम्हें लगता है ये काम करेगा? ठीक है, मैं ट्राई कर सकती हूँ। सबसे पहले हमें एलो को काटना होगा। अब थोड़ा हनी डालते हैं। हनी और एलो दोनों में हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है। फेस्टिवल से इन्हें मिला देते हैं। ये करना बहुत सैटिस्फाइंग है। एलो की सारी अच्छी चीजें निकाल लेते हैं। अब ये हाथों पर मलने के लिए तैयार है। वाह, अब मेरे हाथ बहुत स्मूथ है। अब तुम मेरा हाथ वापस ले सकते हो। मैं बहुत खुश हूँ। रुको, एक और चीज। हे भगवान, क्या ये वही है? वो यही कहीं है। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। खैर, शुक्र है अब हम दोनों अच्छा महसूस कर रहे हैं। हे वाह, तुम तो आज चमक रही हो। क्या ये असली है? नहीं, ये डेविड है। नहीं, मेरे बाल।
मैं फ्लोट ही होने की कोशिश कर रही थी। ओह, ये लंबे बाल, ये बेहतर है। वो मुझ पर ध्यान भी नहीं देता, सारी अटेंशन एवा पे जाती है। सच में, चलो दोबारा करें। सब ठीक है। हाँ, मेरा सारा सामान गिर गया। ये दिन तो बुरा ही होता जा रहा है। हाय डेविड। वो एनी की इयररिंग्स देखो। हे hey, मैं एक्सक्यूज मी, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें पसंद है? ये बहुत अलग है। मुझे इंस्टा पे मैसेज करो। एनी अपने आप को बहुत तेज समझती है। उसकी इयररिंग सच में कूल है। मुझे तुम्हारी ईयर कैंडी पसंद आई। मैं तुम्हारी बनाने में मदद करूं? 3D पेन से एक लीफ के पिक्चर को ट्रेस करें और इसे अंदर से भी कलर करें। ये बिल्कुल असली लीफ लग रही है। देखो, जब ये सूख जाए इसे चेन से चिपका दें। अब नीचे एक और लीफ लगा दें। आप इसे मिक्सर मैच कर सकते हैं। बढ़िया। हाँ, है नी? शुक्रिया। ये लगते तो महंगे ही हैं। वो बेवकूफ शिप हमेशा क्यों डूब जाती है? उन दोनों को साथ में होना चाहिए। मैंने सारे टिश्यूज खराब कर दिए। मेरे पास बैको बॉक्स है। पता नहीं मुझे इतना प्योर लव कभी मिलेगा भी या नहीं। ओह नहीं, मैंने यहाँ बहुत गंद मचा दिया है ना। मुझे बेटर सिस्टम बनाना होगा। मेरा इलास्टिक और ये दोनों बॉक्सेस साथ में, जैसे कि मैंने ट्रैश कैन बना लिया हो। तो चलो, तो मैं कहाँ थी? ओह, मुझे रोना रोका नहीं जा रहा। हाँ बिल्कुल। दोस्त का मेकअप करना बहुत मजेदार होता है। हाँ हो गया, देखो। वाह, तुम बहुत अच्छा करती हो। ये मैं खुश हूँ तुम्हें पसंद आया। तुम्हारे बाल बना दूँ? पता है, वो क्लास में मेरे साथ बैठा था। तुम तो बहुत एक्साइटेड होगी। हाँ बिल्कुल, पर मैं नर्वस भी थी और डर भी रही थी। ओ नहीं नहीं नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? ओह, ये तो बहुत सारे हैं। वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। ओह, क्या ये मेरे बाल हैं? ये जल गए। बेहोश मत हो। ये कोक पियो, ये मदद करेगी। मुझे माफ कर दो, मैं सबसे बुरी दोस्त हूँ। हे, मुझे कर्ल्स करने का बेहतर तरीका पता है। हमें खाली सोडा बोतल चाहिए। अब एक चाकू। हम कट्स लगाएंगे तो ध्यान देना होगा। ऊपर भी, बस हो ही गया। और ये गया। हाँ, अब ये तैयार है। ये कॉल कैसे कर सकता है? भरोसा करो, मैं तुम्हारे बाल इसमें डालूंगी और अब मैं ब्लो ड्रायर इस्तेमाल करूंगी। क्या ये सच में काम करेगा? ये काम कर रहा है। तुम मानोगी नहीं, देखो। वाह, मेरे बाल देखो कितने कर्ली हैं। ये शानदार है, मुझे पसंद आया। हो, शुक्र है, अभी कभी नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अभी भी बीमार हो सोफिया? मैं यही हूँ, अगर तुम्हें जरूरत है मैं यही हूँ। बहुत बुरा है और उससे भी बुरे होंठ। ऐसा लग रहा है ये उतर रहा है, पर मुझे पता है क्या काम करेगा। क्यों? तुम्हें शहद चाहिए? और ये पता चला कि ये ड्राई लिप्स के लिए बहुत अच्छा है। बस अपनी उंगली से थोड़ा रब करें और डेड स्किन ऐसे ही निकल जाएगी। हेलो गॉर्जियस लिप्स, कितनी आसानी से हो गया। अब मेरा ग्लॉस बिल्कुल स्मूथ लगेगा।
क्लब तो बहुत मजेदार था, मैं पूरी रात नाच सकती थी, पर अब फेस वॉश करने का समय है। ये अच्छा नहीं है, पर मुझे अपना फेस धोना है। मैं बस पानी इस्तेमाल करूंगी। मैं मॉन्स्टर की तरह लग रही हूँ। इन रकून आइस को जाना होगा। मुझे क्या इस्तेमाल करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, थोड़ी सी वैसलीन मेकअप को हटा देगी। बस इसे मेकअप पर रब करें, जिद्दी से जिद्दी मस्कारा भी हट जाएगा। जब आप इसे अच्छे से रब कर लें, एक सॉफ्ट टॉवल लें और इसे साफ कर लें। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। फिर और वापस नेचुरल सा सुंदर चेहरा। बस कुछ ही देर में ये हो जाएगा। ओह, यहाँ सब काफी डरावना है, शायद मुझे ही नहीं करना चाहिए। शांत रहो, सब ठीक हो जाएगा। और कितना समय लगेगा? ठीक है, तुम्हारा हो गया। ओह, वो कितनी कूल लग रही है। हाँ मैं ही कर सकती हूँ, ब्रेव बनो। हे, तुम क्या करने आई हो? ओह, एक सेकंड, क्या तुम मेरी बाजू पर ये बना सकती हो? ओह, माफ करना, नहीं नहीं, पर क्यों? साइंस देखो, तुम्हें 21 साल की होना होगा। माफ करना, मैंने रूल्स नहीं बनाए। ओह अच्छा, तो मैं चलती हूँ फिर, ये अच्छा आइडिया होगा। हे, अगला कौन है? ये अच्छा नहीं हुआ, मैं बहुत हिम्मत करके गई थी और अब मेरा मेकअप भी निकल रहा है। आज बहुत बुरा दिन था, उसने मेरे साथ अच्छा बर्ताव भी नहीं किया। हाँ, मैंने ये कब खरीदा? रखो, शायद ये मदद करेगा। मुझे स्टेंसिल बनानी है, अब मैं इसे अपनी बाजू पर रखूंगी। और अब ग्लू लें, मैं इसे ब्रश से लगाऊंगी। हो गया, अब ग्लिटर, कोई जगह नहीं छोड़नी। मैं अच्छे से टैप करूंगी ताकि ये स्मूथ लगे। और इसी तरह चलो देखें क्या बना। ये बहुत प्यारा है, फालतू ग्लिटर हटा देते हैं। अरे वाह, ये बहुत सुंदर लग रहा है, मुझे इसके पिक्चर्स चाहिए। और इसे इंस्टाग्राम पर डालते हैं। ओह नहीं, मॉम आ रही है, इसे हटाना होगा। ओह, ये नहीं निकल रहा। ओह, अपने आप को देखो। एक काम करो, यहाँ से सामान उठा दो। ठीक है, कर देती हूँ। लव यू मॉम। बाल बाल बटनी बेस्टी के साथ नाइट आउट से बेहतर और कुछ नहीं होता। और आज की गप्पे बहुत ही मजेदार है। ओह, लगता है तुम्हारी सारी लिपस्टिक वहाँ चली गई। हे, एक्स्ट्रा पड़ी है। उप्स, कोई बात नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए परफेक्ट कलर है। नहीं नहीं, मेरे पास ज्यादा बेहतर है। देखो, एक चम्मच और अपना मनपसंद लिप कलर लें। इसको थोड़ा बाहर निकालें और काट कर स्पून पर डाल दें। और अब नीचे से इसको हीट दें। इस तरह का एक कंटेनर लें और मेल्टेड कलर को इसमें डालें। अब कुछ वैसलीन डालें, थोड़ा सा बहुत होगा। मिक्स करने के बाद ये इस तरह का दिखेगा। और हो गया। और अब फोन केस लें, उसे बीच में हॉट ग्लू से लगाएं और कंटेनर को ऊपर लगा दें। अब आपका मेकअप मोबाइल के साथ रहेगा और टचअप सब बहुत आसान है। अच्छा लग रहा है ना? और ग्लॉस की तरह ये कलर परफेक्ट है, हमेशा तैयारी के साथ आना चाहिए, गर्ल्स नाइट पर भी। हाँ बिल्कुल।